स्वागत करते हूँ आप सभी लोगों का क्रेजी टेक्नो सीरीज के 9th एपिसोड में। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पिछले एपिसोड में मैंने जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन दरअसल ये था कि आपकी क्या यूट्यूब एप्लीकेशन में सर्वे आते हैं। तो आप सभी लोगों ने जो आंसर दिया, अधिकतर आंसर है यस और कुछ लोग बोलते हैं नो। तो भाई लेकिन मैं आप लोग से डिसअपॉइंटेड हूँ, क्यों? क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, व्यूज अच्छे खासे आते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो। तो जरूर से कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे आप लोगों के बारे में पता चल जाए कि आप लोग भी वीडियो देख रहे हो, साथ ही साथ मेरी क्रेजी टेक न्यूज सीरीज के हर वीडियो में आप लोगों को शाउट आउट भी मिलता रहेगा। ऐसे में दोस्तों आज का क्वेश्चन ये है कि आपके घर में जो टीवी लगी है या फिर आप जो टीवी के बारे में सोचते हो, टेलीविजन के बारे में, उसमें कौन से ब्रांड को आप ज्यादातर प्रेफर करते हो? तो आपके ऑप्शंस हैं ए सोनी, बी सैमसंग, सी चाइनीज ब्रांड, डी नन या अदर। अगर आपके घर में कोई ऐसी टीवी लगी है जिसका ब्रांड चाइनीज है, या फिर कोई ऐसी टीवी लगी है जिसका ब्रांड चाइनीज नहीं है, ना सोनी है ना सैमसंग है, तो आप डी कमेंट करिए, या अगर आप चाइनीज ब्रांड है तो सी कमेंट करिए, अदर है अगर आपके घर में टीवी नहीं लगी है तो आप डी कमेंट करिए। दोस्तों सबसे पहली खबर गूगल की तरफ से निकल के आ रही है कि गूगल पिक्सल 4a फोन जो है लॉन्च हो गया इंडिया में, बट जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है वो है 31,999। पर जैसा कि आप लोगों को पता है जो फ्लिपकार्ट पे भी सेल आने वाली है 16th ऑफ अक्टूबर से, उस सेल में ये फोन हम लोगों को मिल जाएगा 29,999 का। अब भाई प्राइस में थोड़ा बहुत वेरिएशन है, लेकिन प्राइस डिक्रीज हुआ है और भी इसमें सेल में आप लोगों को फोन सस्ते दाम पे मिल जाएंगे। दोस्तों अगला अपडेट कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की तरफ से निकल के आ रहा है कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 11 कब आएगा। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की जो एनिवर्सरी है वो नेक्स्ट वीक में आने वाली है। तो इसी में जो इसके फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों से वेट कर रहे थे इसके सीजन 11 का, तो अगले वीक में हम लोगों को इसका सीजन 11 देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगली खबर Xiaomi की तरफ से निकल के आ रही है, बेसिकली Xiaomi की तरफ से निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है कि Xiaomi ने बताया है कि इंडिया में अभी लॉकडाउन के बाद या उससे पहले तक उन्होंने टोटल 50 लाख टीवी, स्मार्ट टीवी या जो भी टीवी वो लोग बेचते हैं उनके ब्रांड की, वो बेच चुके हैं। मीन्स हम लोग जितना भी चाइना के प्रोडक्ट को या फिर चाइना को बॉयकॉट कर रहे हैं, बट तब भी उन्होंने 50 लाख टीवी बेचा है। गाइस 50 लाख अमाउंट कम नहीं होता है, पर टीवी जितने की भी बिकती है लेकिन उनका अच्छा खासा प्रॉफिट है। पहले जितनी भी टीवी बिकती थी उसके स्टैट के हिसाब से इस टाइम पे सबसे ज़्यादा टीवी बिक रही है, और प्लस इस टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग उसको बॉयकॉट भी कर रहे हैं। तो इतनी टीवी कहाँ से बिक रही है, मतलब चाइना वाले तो प्रॉफिट में ही है। दोस्तों अगली न्यूज या अपडेट बताने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए क्रेजी डील्स है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लॉकडाउन खुल गया और हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मास्क है। तो मास्क में सबसे ज्यादा जरूरी मास्क है N95, क्योंकि जहां भी आप लोग भीड़ भाड़ में जाएंगे तो आप लोगों को मास्क बहुत ज्यादा नेसेसरी रहेगा। तो भाई मास्क पहनो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बेस्ट N95 अगर मास्क अगर आप लोग ढूंढ रहे हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दो मास्क की लिंक दूंगा, एक वॉशेबल मास्क रहेगा और एक वॉशेबल मास्क नहीं रहेगा। दोनों N95 मास्क एयर पॉल्यूशन से आप लोगों को बचाएगा, एयर डस्ट से बचाएगा आप लोगों को, एंटीबैक्टीरियल है, बहुत अच्छा मास्क है। इसी के साथ साथ आप लोगों को एक और मिलेगा जो आपके फोन स्क्रीन क्लीनर रहेगा, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। ग्रीन स्क्रीन की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, माइक की या फिर इसके साथ साथ ट्राइपॉड की भी लिंक, और भी जो अच्छे अच्छे डील्स है, क्रेजी डील्स, आपको सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मेरे चैनल पर ही आप लोगों को मिलेगी, और सब में आप लोगों को मिनिमम 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो जाओ भाई जल्दी से चेक करो, और अभी जब सेल आएगी तो मैं लिंक को बढ़ा दूंगा, 10 से 20 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उससे आप ही का फायदा होगा गाइस, आप सस्ते में बाय करोगे और उससे मेरा प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों जैसा कि आज है 13th ऑफ अक्टूबर और हम लोगों को पता है आज ही है एप्पल का इवेंट। अगर आपको नहीं पता तो एप्पल आज एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें कि वो बहुत से अपने नए नए प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, जिसमें कि एक आईफोन 12 भी रहेगा। तो हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो एप्पल का इवेंट चल रहा हो या फिर नहीं चल रहा हो, खत्म हो गया हो, तो मैं आपको लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरे अगले वीडियो में आप लोगों को एप्पल इवेंट के बारे में, एप्पल इवेंट के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट इंडियन ब्रांड इंटेल की तरफ से निकल के आ रही है कि इंटेल जो है वो इंडिया में बहुत ही जल्द यह लॉन्च कर दिया है टीवी को, और बहुत अच्छी प्राइसिंग पे लॉन्च किया है टीवी नहीं, 6 प्रोडक्ट को वो लॉन्च किया है जिसमें कि एक है टीवी, और उसमें जो प्रोडक्ट है वो सब प्रोडक्ट की जो प्राइस है इंडिविजुअली प्राइस है 8,999, मतलब 6 अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसमें कि एक हम लोग को देखने को मिल जाएगी 4K HD टीवी और दूसरी हम लोग को देखने को मिल जाएगी स्मार्ट टीवी, और ये सब की जो वो रहेगी इंच रहेगा, मतलब साइज रहेगा वो 32 इंच से लेकर 55 इंच तक इसका साइज रहेगा।
इसी के साथ हमारी टेक न्यूज खत्म होती है। अगर आप लोगों को #CTN9 ये न्यू एपिसोड अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोगों को क्रेजी टेक न्यूज और भी वीडियो चाहिए या फिर आप लोगों को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल पे आप लोगों को ट्यूजडे को क्रेजी टेक न्यूज देखने को मिलती है और यही सैटरडे को इंडिविजुअली अच्छी अच्छी वीडियो मिलती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही वीडियो मिलती है। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पेज पे सेम वीडियो हमारी वहाँ पे भी अपलोड होती है, तो वहाँ पे भी अपना पूरा सपोर्ट दिखाओ। मैं मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, लेकिन 17 अक्टूबर 2020 डेट बहुत जल्दी आने वाला है और आप लोगों को उस दिन सरप्राइज मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।